भारत की सांस्कृतिक ही नहीं धार्मिक राजधानी भी है हिंदू समाज के लिए। काशी का मैसेज पूरी दुनिया के लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बांग्लादेश के मुद्दे पे हिंदू समाज के हित में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत में दुनिया भर के जो रिपोर्टें जारी की जाती हैं अल्पसंख्यकों के हित और भेदभाव से संबंधित, क्या बांग्लादेश पे लागू नहीं होती? अथवा भारत के विपक्ष का वो नेता जिसको इजराइल पे बोलना है, फिलिस्तीन पे बोलना है, दुनिया के सारे देशों पे, लेकिन वो बांग्लादेश के कोई भी अभद्र तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है वह पूरा विश्व देख रहा है, इसलिए आज पूरा जनमानस यहाँ वाराणसी में हिंदू जनमानस एकत्रित हुआ है। RSS और विष्णु प्रसाद और ये गाँव की अखिल भारतीय संत समिति व्यास सिंह से लेकर के सभी लोग कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक उग्र प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है, जिससे कि लोग हमारा विश्व पूरा हमारी आवाज सुने, हमारी बात को समझे कि हमारे हिंदुओं के साथ इस प्रकार की बर्बरता नहीं होना चाहिए। समस्त हिंदुओं की तरफ से ये आह्वान है, व्यापार मंडल की तरफ से आह्वान है, संत समाज की तरफ से आह्वान है और सभी हिंदुओं की तरफ से आह्वान होने की वजह से विश्व वैदिक सनातन न्यास के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ हम इस रैली में उपस्थित हुए हैं। यह आक्रोश रैली जो आज हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम उसके विरोध में इस रैली में शामिल हो रहे हैं और निश्चित तौर पे हम भारत सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश को ये सूचना देने का काम करेगी कि हिंदुओं के प्रति इस तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए। वहाँ अल्पसंख्यक जरूर हैं लेकिन वो हिंदू हैं और हिंदू विश्व के किसी कोने में होगा हम उसके लिए खड़े होंगे और अगर उस पर अत्याचार होता है तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध करेंगे।